हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम ये वाला पैटर्न बनाना सीखेंगे। ये पैटर्न जो है बहुत इजी है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए, इस तरह से देखिए, ये इसकी रॉन्ग साइड है। इस पैटर्न को आप किसी भी स्वेटर में बनाएंगे अच्छा ही लगेगा। जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, बेबी बेबी स्वेटर में, किसी में भी बनाए अच्छा लगेगा। ये 8 सिलाई पर बना है, 8 सिलाई का पैटर्न है, 3 फंदों पर बना है। ये जो गैप है इसमें बीच में, ये आप कम भी कर सकते हैं तो इसकी सिलाइयाँ कम हो जाएंगी। तो ये 2 सिलाई पर ये पैटर्न बनता है, बाकी 6 सिलाई प्लेन बुनी जाती है, प्लेन बनती है 6 सिलाई। तो ये जो प्लेन 6 सिलाई है, इन्हें आप 4 भी कर सकते हैं तो इतना गैप हो जाएगा। ये देखिए, तो ये आपकी इच्छा है। तो इसके लिए हमें फंदे चाहिए 3 के मल्टीपल में, 2 स्टिच के लिए लेने हैं फंदे, तो आपका पैटर्न ये सेट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये 17 स्टिचेज लिए हैं 3 के मल्टीपल से, 15 + 2, तो ये 17 हो गए। और ये फर्स्ट रो है, राइट साइड है, फर्स्ट रो हम राइट साइड से बुनेंगे। पूरी सिलाई सीधी सीधी आएगी, सारे फंदे हम इसमें सीधे बुनेंगे, नेट ऑल स्टिचेज। बहुत इजी है, केवल 2 सिलाई पर ये पैटर्न बनता है, बाकी की सिलाइयाँ इसमें, 6 सिलाइयाँ इसमें सीधी आती हैं। देखिए, एक तो ये फर्स्ट रो ही इसमें सीधी आ गई, प्लेन बुना जाता है 6 सिलाई में, तो ये फर्स्ट रो हो गई, रो 2 ऑन रॉन्ग साइड। यहाँ पर स्टिच हम स्लिप कर लेंगे और बाकी के सारे फंदे हम डबल लपेटा लेकर बुनेंगे, डबल रैप। ये देखिए, इस तरह से उल्टा ही बुनेंगे लेकिन डबल लपेटा लेकर, 2 बार रैप करेंगे ऐसे, और सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो ये दूसरी सिलाई है रॉन्ग साइड पर, सारे फंदे डबल रैप के साथ बुने जाएंगे उल्टे। लास्ट के 2 फंदे रह गए, ये जो स्टिच है ये हम उल्टा बुनेंगे, रो 3 ऑन राइट साइड, स्टिच स्लिप कर लेंगे, धागा आगे करेंगे, 3 फंदे हम अनरैप करेंगे, 1 2 3, 3 फंदे हमने देखे खोल लिए हैं, इन्हें वापस हम सिलाई पर लेंगे और इनमें से 3 फंदे बनाएंगे ऐसे। एक फंदा हमने उल्टा बनाया, तीनों फंदों के साथ बुनते हुए धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे इन्हीं में से, फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे। तो 3 फंदों में से हमने 3 फंदे बना लिए हैं। फिर से हम 3 फंदे खोलेंगे, 1 2 3, वापस सिलाई पर लेंगे और इनमें से 3 फंदे बनाएंगे इस तरह से, 1 ये उल्टा बनाया, धागा पीछे करेंगे, ये 2, धागा आगे करेंगे, ये 3, फिर से 3 फंदे खोलेंगे, 1 2 3, और फिर से वैसे ही बुनेंगे। देखिए, ध्यान से देखना, 1 उल्टा बनाया, धागा पीछे, 1 सीधा बनाएंगे, धागा आगे, फिर से 1 उल्टा बनाएंगे, धागा इधर ही रहने देंगे, फिर से 3 फंदे खोलेंगे, 1 2 3, फिर से इनमें से 3 फंदे बनाएंगे इस तरह से, 1 उल्टा, 1 सीधा, और फिर से 1 उल्टा, और ये लास्ट रिपीट है। फिर से हम 3 फंदे खोलेंगे, 3 फंदों में से 3 फंदे बनाएंगे, 1 उल्टा, 1 सीधा, 1 उल्टा, धागा पीछे करेंगे, स्टिच को सीधा बनाएंगे। ये हमारी 3 सिलाई हो गई। रॉन्ग साइड पर ये 4th सिलाई है, रो 4 ऑन रॉन्ग साइड, सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे,
चार सिलाई हो गई है, रो फाइव ऑन राइट साइड। ये पूरी सिलाई सीधी आएगी, मैंने आपको बताया था दो ही सिलाई में पैटर्न बनता है, बाकी सीधी उल्टी आती है। पांचवी सिलाई सीधी, छठी सिलाई उल्टी, फिर सातवीं सिलाई सीधी, फिर आठवीं सिलाई उल्टी, इस तरह से ये सिलाइयाँ बुनी जाएंगी। तो ये रो फाइव है, सारे फंदे सीधे सीधे बुने जाएंगे। पांच सिलाई हो गई हैं, रो सिक्स ऑन रॉन्ग साइड। ये पूरी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। रो सेवन ऑन राइट साइड। देखिए यहाँ पर आप ये पैटर्न फिर से बना सकते हैं, इतने गैप में मैंने ये गैप ज़्यादा लिया है, आठ सिलाई पर बनाया है, आप छः सिलाई पर बना सकते हैं इस पैटर्न को। तो ये सातवीं सिलाई है, यहाँ पूरे फंदे सारे फंदे सीधे सीधे बुने जाएंगे। सात सिलाई हो गई है, रो एट ऑन रॉन्ग साइड। ये सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे, पर ऑल स्टिचेस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आठ सिलाई हो गई है, फिर से हम फर्स्ट रो बनाएंगे, यहाँ से एक सिलाई सीधी, दूसरी सिलाई में डबल रैप करके सारे फंदे बनाएंगे, और फिर तीसरी सिलाई में ये फंदे खोल के तीन फंदों का तीन फंदे बनाएंगे। इस तरह से ये पैटर्न बनता है। तो एक सिलाई सीधी और बनती है तो ये गैप और ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि आप चाहें तो इसे छः सिलाई पर ही रोक सकते हैं, तो ये पैटर्न में गैप काफ़ी आ जाता है। ये देखिए, तो इस तरह से बनता जाएगा जब आप ये आठ सिलाई बनाते जाएंगे, आठ या छः जितना भी आप बनाना चाहें। ये देखिए, आई होप कि आपको ये पैटर्न अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।